हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे हम किसी भी चीज़ का नाम लिखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो हम वहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, एन, आइसो, न्यो। तो ये प्रीफिक्स का काम क्या होता है, ये कहाँ पे लगता है, और किस केस में हम एन लगाते हैं, किस केस में आइसो लगाते हैं, किस केस में हम न्यो लगाएंगे, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो नाम से पहले जुड़ता है, जो नाम के स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो नाम के एंड में लगता है, जब नाम खत्म होता है, उसे बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, जो नाम के आगे लगेगा उसे प्रीफिक्स, जो पीछे लगेगा उसे सफिक्स। तो हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स की, कि एन प्रीफिक्स को हम कब यूज करेंगे, आइसो प्रीफिक्स को हम कब यूज करेंगे, और नियो प्रीफिक्स को हम कब यूज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले एन प्रीफिक्स की। तो हम किसी भी नाम के पहले, किसी भी एल्केन या हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले, ठीक है, एन कब लगा सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होंगी एन लगाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एन कब यूज होता है। तो एन यूज होता है किसी भी अनब्रांच्ड और नॉर्मल एल्केन के लिए। ठीक है, अनब्रांच का मतलब होता है उसमें कोई तरह किसी तरह की ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ एक स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एल्केन भी वही इंडिकेट करता है कि किसी तरह की कोई भी ब्रांचिंग या उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एल्केन के लिए इसे यूज किया जाता है, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं आ सकती, सिर्फ अनब्रांच्ड और नॉर्मल एल्केन के लिए, विदाउट ब्रांचिंग। जो सिंपल एक स्ट्रेट चेन होगी उसके लिए हम एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है C2H6, CH3 बॉन्ड CH3, ये इथेन है। ठीक है, देखिए ये अनब्रांच्ड भी है, ना तो इसमें ब्रांचिंग है, और ये एक नॉर्मल एल्केन है, ठीक है, विदाउट ब्रांचिंग। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं एन इथेन, लेकिन यहाँ पे मैंने गलत किया हुआ है, इसे हम एन इथेन बोलते नहीं है। सिमिलर केस है प्रोपेन के साथ, स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच्ड है, नॉर्मल एल्केन है, ठीक है, ना कोई अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ना फंक्शनल ग्रुप है, ना ही मल्टीपल बॉन्ड है। तो हमने यहाँ पे भी एन प्रीफिक्स लगाया, लेकिन ये भी गलत है। सेम केस होता है मिथेन के साथ, यहाँ पे हम इसे एन मिथेन नहीं लिख सकते। तो अब सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पर एन क्यों गलत किया। ठीक है, तो एन हमेशा ध्यान रखना है अनब्रांच्ड और नॉर्मल एल्केन में लगता है। साथ ही साथ एक और कंडीशन होती है, ये उसी में लगेगा जो आइसोमर शो करते हैं, जो आइसोमर एमेरिज्म शो करेंगे, आइसोमर बनाते हैं, उन्हीं के साथ एन लगता है। अगर अगर ध्यान से सोचें तो जैसे ये इथेन, मिथेन, प्रोपेन है, तो ये सब हमें आइसोमर्स नहीं देते। अगर हमें किसी एल्केन का आइसोमर बनाना है तो मिनिमम हमें 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आप इनका आइसोमर्स बनाना ट्राई करेंगे तो आइसोमर्स इसके बन नहीं पाएंगे। ठीक है, आइसोमर्स बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि किसमें, ब्यूटेन में है। तो ब्यूटेन देखिए एक अनब्रांच्ड एल्केन है, नॉर्मल एल्केन है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, ये आइसोमर शो करता है, तो इसीलिए इसके आगे हमने प्रीफिक्स यूज किया है एन ब्यूटेन। क्या किया है, एन ब्यूटेन। तो आई थिंक अब मेरे को समझ में, आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो एन प्रीफिक्स है ये हम कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आइसो की। आइसो प्रीफिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या, जैसे हमारे पास ये मिथेन कंपाउंड है, ठीक है, सी है, चारों तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर रहे हैं इसकी। तो अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को एक एल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन CH3, जब हम एक CH3 से, सॉरी, एक CH3 से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे, देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को एक CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, CH3 एक एल्काइल ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, तो रिप्लेस कर देंगे, तो उस केस में क्या हुआ कि इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन, की व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन CH3 ग्रुप, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। सिमिलर केस होता है कि अगर हम 2 हाइड्रोजन को 2 CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए वही कंडीशन है यहाँ पर, कि हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को 2 CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये कहलाता है 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। और सेम केस है कि अगर हम 3 हाइड्रोजन को 3 CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस केस में वो कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन, या फिर इसी को हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। और
लास्ट केस कि अगर हम चारों हाइड्रोजन को चार CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, चार हाइड्रोजन को चार मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है 4° कार्बन। क्या कहलाएगा? 4° कार्बन, या फिर क्वार्टर कार्बन। क्या बोलते हैं इसे? क्वार्टर कार्बन। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो एन प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा रहा था, आइसो के बारे में पढ़ाना था, तो ये बीच में ये टॉपिक कहाँ से आया? तो ये टॉपिक जो है अपने आप हम आइसो प्रीफिक्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अभी हमने बात की थी एन प्रीफिक्स की, अब हम बात करेंगे आइसो प्रीफिक्स की। तो जैसा कि मैंने बोला कि जैसे हम मिथेन में से तीन हाइड्रोजन को अगर हम तीन CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो सेम केस बन रहा है। देखिए कि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को हमने तीन CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं 3° कार्बन। तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम लिखने सोचे, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं? तो यहाँ पे आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो 4 कार्बन टोटल है, और तीन हाइड्रोजन को तीन CH3 ग्रुप ने रिप्लेस कर रखा है। तो वहां पर ऐसे केस में हम यूज करते हैं आइसो। तो 4 कार्बन है और तीन हाइड्रोजन को तीन एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर रखा है, तो इसे हम बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है, और इसके आगे जुड़ गया आइसो ब्यूटेन, ठीक है। ये आयोपेक नाम नहीं है, सिंपल इसका नाम है, ठीक है। आइसो मैं ये बता रहा हूं कि आइसो प्रीफिक्स कब यूज करेंगे हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स नियो के बारे में, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे है कि CH4 है, हमने यहाँ पे क्या किया, चार हाइड्रोजन को चार एल्काइल ग्रुप, जिसे मिथाइल बोलते हैं, CH3 को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन को हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो इसे हम बोलते हैं 4° कार्बन। तो अब काउंट करिए टोटल कार्बन कितने हुए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 कार्बन मतलब पेंटेन, 5 कार्बन पेंटेन। तो यहां पर क्या हुआ कि चार हाइड्रोजन को चार CH3 ग्रुप ने रिप्लेस किया, तो इसको हम बोलते हैं नियो। क्या बोलेंगे? नियो। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि हम प्रीफिक्स एन कब यूज करेंगे, प्रीफिक्स आइसो कब यूज करेंगे, प्रीफिक्स नियो कब यूज करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एन आइसो और नियो कब यूज करते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी हेडिंग है, वो भी हम समझ लेते हैं, काम आएगी, ठीक है। हेडिंग है फंक्शनल ग्रुप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक में, फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो कोई भी एटम या एटम का ग्रुप, ठीक है, एंड एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं कि यह एल्कोहल होगा या एसिड होगा या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, क्या होगा, वही कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे सिंबल दे रखे हैं यहाँ पे, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप के सिंबल हैं। जैसे बॉन्ड OH एल्कोहल का सिंबल होता है, तो अगर ये बॉन्ड OH में किसी एल्केन में जोड़ देता हूँ, तो वो एल्केन को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। तो कहने का मतलब, इस बॉन्ड OH ने उस एल्केन की, उस पर्टिकुलर एल्केन की प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया ना, डिटरमाइन किया ना, तो ये कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं वहाँ पे उस एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये जोड़ देता हूँ, बॉन्ड C डबल बॉन्ड और बॉन्ड H, तो वो क्या कहलाएगा? वो एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। अगर मैं जोड़ देता हूं उसमें बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और बॉन्ड OH, तो वो एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़ने के बाद, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं लिस्ट में, ठीक है। आपको इन्हें देखना है और इनके सिंबल्स को याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें फंक्शनल ग्रुप के सारे सिंबल्स पता होने चाहिए। एल्कोहल का सिंबल होता है बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का हो जाएगा बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ईथर का हो जाएगा बॉन्ड ओ बॉन्ड, कीटोन का हो जाएगा बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, एसिड का हो जाएगा बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड OH, अमाइड बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2, थायोल का हो जाएगा बॉन्ड SH, इसे हम मरकैप्टो भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। अमाइन होता है बॉन्ड NH2, साइनाइड या नाइट्राइट होता है बॉन्ड CN, आइसो साइनाइड हो जाएगा NC, ये ध्यान रखना है। साइनाइड होता है CN और आइसो साइनाइड उल्टा हो जाता है NC, ठीक है। एनहाइड्राइड होता है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन से कंपाउंड का सिंबल क्या होता है, क्योंकि ये अगर हम आज जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे, तो हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और फंक्शनल ग्रुप तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हमारे साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस कंपाउंड को डिनोट करता है, ठीक है, किस कंपाउंड को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता होना चाहिए। किस, जैसे अल्कोहल है बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हम प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स एन कब यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स आइसो कब यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स नियो कब यूज़ करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो।